साथियों, जैसा भी आपको पता है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं 152 पंचायत के सभी लोगों को कि भी ये बहुत बड़ा मुद्दा जो 55 साल से लंबित पड़ा था, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का और धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम जी का और धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर अमीचंद जी का जो कि इसमें केंद्रीय आदि समिति के अध्यक्ष हैं और कुंदन शास्त्री जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जयराम ठाकुर का जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कि दिन रात एक करके हमारा यह जो 55 साल का जो मुद्दा था आज इन्होंने ये सिरे चढ़ाया। मैं इसके लिए शांता कुमार जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी का और वीरभद्र सिंह जी ने का, और हमारे जो राज्यसभा में अभी डॉक्टर सिकंदर जी और हमारे पूर्व में रहे एमपी वीरेंद्र कश्यप का, सुरेश कश्यप का, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, इतना बड़ा जो मुद्दा है हमारा आज ये 55 साल के बाद जो सिरे चढ़ा, इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैं दोबारा सभी 154 पंचायत के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर दोबारा केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। साथियों, अभी बोलने का शॉर्ट टाइम है, मैं आग्रह करूंगा सभी हाटी बंधुओं से, सभी नौजवान साथियों से, हमारा जो मुद्दा था ये हाटी का, सभी वर्ग ने, सभी पार्टी ने इसका सहयोग किया, किसी ने प्रोक्ष रूप में, किसी ने प्रोक्ष रूप में भी किया है, लेकिन मैं उन सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों ने, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, सब ने इसका सहयोग दिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और एक बात मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कुछ गलत फहमियाँ डाली जा रही है, मेरा आग्रह रहेगा कि हमारा 14 जातियों का जो ये समूह है, हमारा आपसी भाईचारा है, इस भाईचारा को हमारे को बरकरार रखना पड़ेगा। राजनीतिक फायदा उठाने वाले उठा लेते हैं, उसको हमें बड़े गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमें जो हमारा जो भाईचारा है इसमें खलल ना डाले। सभी पार्टियां विकास के नाम से काम करती है, विकास के नाम से वोट मांगती है, उनका हक भी बनता है, लेकिन जो ये ट्रांसगिरी के मुद्दे पे बहुत बड़ा जो काम हुआ, इस पे जो राजनीति कर रहा है वो ठीक नहीं है। विशेषकर मैं अपने समुदाय के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर नुकसान भी होता है तो इसकी भरपाई तो करनी बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर भूल चूक हुई भी है, अभी इसका पक्का दस्तावेज आएगा, कानून बन के आएगा, तो आपसी भाईचारा खराब ना करें। और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर सिकंदर जी जो कि रिजर्व से है, उन्होंने भी पक्ष रखा, उन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा कि हरिजनों की जो डेपुटेशन वहाँ मिला था कि भाई जो हमारा दलित भाई यहाँ पक्ष लेके आए, उनको पक्ष का भी नजर रखा जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सिकंदर का, और हरिजन भाइयों से और दलित भाइयों से मेरा निवेदन है कि हम भी ऐसी समाज से आते हैं, गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संवैधानिक तौर पे अगर कुछ भी अमेंडमेंट करने का इसमें कोई जगह होगी, तो हमारे सांसद और हमारे जो MP है और हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो बिल्कुल चिंतित है पिछड़े वर्ग के लिए और दलित वर्ग के लिए वो चिंतित है। इसलिए मैं जाते तो नहीं क्या कहूँगा, लेकिन लास्ट में यही कहूँगा, संयम रखें, अपना भाईचारा जो है इसको खराब ना करें। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधुओं कि आपने जो हमारी बात है वो पल पल और हर वक्त हमारी सेंटर तक और पूरे लोगों तक पहुँचाते हैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, लास्ट में यही कहता हूँ कि बलदेव तोमर जी और डॉक्टर अमीचंद जी और कुंदन शास्त्री जी, आपके जो प्रयास है, हम 154 पंचायत के लोग आपके लिए सदा ही ऋणी रहेंगे। इसी के साथ ज़्यादा ना कहता हूँ, जय हिंद जय भारत। हार्दिक अभिनंदन। आज खंड हाटी समिति संगठा की बैठक हुई, जिसमें जो हमारा हाटी का बिल राज्यसभा से दिनांक 26 जुलाई को पास हुआ, उसके संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा हुई और उसमें हम अपना केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी और केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का
खंड आटी समिति की तरफ संगढ़ा की तरफ से धन्यवाद करते हैं। साथ में हिमाचल के हमारे राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे पूर्व विधायक शिलाई से और हाटी पुत्र श्री बलदेव तोमर जी का, हाटी संगढ़ा समिति दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल गिरिपार क्षेत्र में है, तो इसी संदर्भ में आज ये वार्ता बुलाई गई। इस वार्ता में हमारे साथ बैठे खंड हाटी समिति संगढ़ा के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी, हमारे तहसील हाटी इकाई संगढ़ा से नौराधार से भाई शिवचंद जी, तहसील इकाई संगढ़ा से हमारे हीरापाल शर्मा जी, हमारे ब्लॉक के श्री रविंद्र चौहान रविंद्र वर्मा जी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष श्री सुंदर सिंह जी और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय से कि आगे की रूपरेखा बताएं। जैसा कि हमारे सचिव जी ने कहा, आज यहाँ पर खंड हाटी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गत 26 जुलाई को जो हमारा राज्यसभा से जो हमारा जनजाति का बिल जो पिछले 55 साल से लंबित मांग थी वो पारित होने पर जो आज एक धन्यवाद प्रेस वार्ता और मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के गृह मंत्री अमित शाह जी और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे जो वर्तमान सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद और पूर्व में जो सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी और इसके अलावा हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका विशेष योगदान रहा इस हमारे इस मुद्दे को आगे केंद्र सरकार के सामने बखूबी इन्होंने उठाया, और पूर्व में विधायक रहे बलदेव तोमर जी जो कि हाटी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं जिन जिन सरकारों के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ये जो हमारा समय समय पर बिल जो है प्रस्ताव केंद्र सरकार को गए, लेकिन उसमें कई तरह की आपत्तियां और कई ऑब्जेक्शन थे, लेकिन ये जो पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इसमें इन्होंने बड़ी इच्छा शक्ति जताई और इसको सर्वे जो यहाँ से जो रिपोर्ट थी उसको केंद्र सरकार को भेजा और उसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस मुद्दे को आज अंतिम अंजाम तक पहुँचाया। तो हम इनके आभारी हैं और साथ में हमारा जो हाटी के जो हमारे योद्धा हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, विशेषकर 25 मेंबर हमारे गिरियार में, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिसमें से 12 हमारे संगड़ा ब्लॉक से हैं और उनका अभी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम मुहिम चलाई थी। उनमें से बहुत सारे लोग तो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका भी बहुत योगदान इस मुद्दे को है, और विशेषकर हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है डॉक्टर अमीचंद कमल जी और कुंदन शास्त्री जी, जिनके नेतृत्व में पूरे गिरिपार में ये जो आज जिस जो खुशियां मनाई जा रही है उनके कुशल नेतृत्व में ये हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा है।